एशिया कप 2023 लगातार विवादों में बना हुआ है। जब से ज़ाका अशरफ ने हाइब्रिड मॉडल और एशिया कप को लेकर विवादित बयान दिया है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में ही एशिया कप के सारे मैचेस करवाने चाहिए क्योंकि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है, तब से बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है एशिया कप को लेकर। लोगों का ये भी मानना है कि शायद एशिया कप पाकिस्तान के बिना ही हो या फिर एशिया कप 2023 रद्द भी हो सकता है। लेकिन ज़ाका अशरफ के ये बयान देने के 24 घंटे बाद ही ज़ाका अशरफ ने अपना जो सुर है वो बदल लिया है। उन्होंने फिर से एक बयान दिया है और अपने बयान में कहा है कि एक मेजबान होने के नाते पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करने के लिए बेहतर बातचीत करनी चाहिए थी कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला जाना चाहिए। श्रीलंका ने बड़े मैच ले लिए, पाकिस्तान के लिए केवल 4 मैचों को छोड़ दिया, ये हमारे देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि निर्णय लिया जा चुका है, इसलिए हमें इसके साथ जाना होगा। मैं इसे नहीं रोकूंगा या फैसले का पालन नहीं करने का कोई इरादा नहीं है। मैं इसके बारे में प्रतिबद्धता का सम्मान करने के अलावा बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भविष्य में हम जो निर्णय लेंगे वो देश के लिए और देश के हित में होगा। ज़ाका अशरफ के इस बयान से साफ साफ पता चल रहा है कि ज़ाका अशरफ थोड़े से डर गए हैं ACC से, क्योंकि जब ज़ाका अशरफ ने वो विवादित बयान दिया था कि पाकिस्तान में सारे एशिया कप के मैचेस होने चाहिए, तब भी ACC ने साफ तौर पर बोल दिया था कि अब कोई भी फैसला बदला नहीं जाएगा एशिया कप को लेके। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों देश मिलकर होस्ट करेंगे एशिया कप को, अब कोई भी कुछ ही बोले, बिल्कुल भी एशिया कप के सारे मैचेस जो हैं जहां होने वहीं होंगे, कोई भी फैसला चेंज नहीं किया जाएगा। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं एशिया कप को लेकर इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।